पोपटलाल, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं मधुबाला के पिता के बारे में, वो बहुत ही सख्त है। हाँ, बहुत सख्त है, मुझसे भी ज्यादा सख्त। एक बार उन्होंने जो तय कर लिया तो समझ लो तय कर लिया, ना ही वो अपने बात से पीछे हटते हैं, ना ही सामने वाले को पीछे हटने देते हैं। तो कोई बात नहीं पांडे जी, शादी के निर्णय के मामले में मैं भी बहुत सख्त हूँ, कभी पीछे नहीं हटता। अरे मंजे। अच्छा पांडे जी, मुझे एक बात बताइए कि उन्होंने ये रिश्ता पोपटलाल के लिए क्यों भेजा? हाँ चाचा जी, दरअसल बात ये है, मधुबाला जो बिटिया है ना, उसे बचपन से इच्छा थी कि उसका विवाह हो तो किसी पत्रकार से। अच्छा, कहाँ से है मधुबाला जी? बासुंदी का ननिहाल है ना, वहां की रहने वाली है मधुबाला। अच्छा, मधुबाला की मम्मी और बासुंदी बचपन से एक दूसरे की फ्रेंड है। अच्छा, मधुबाला की मम्मी ने बासुंदी पर उसकी शादी की जिम्मेदारी सौंप दी है और बासुंदी ने वो जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दी है। अरे वाह वाह वाह। जैसे ही मैंने पोपटलाल जी के बारे में बासुंदी को बताया, वो तुरंत मान गई। अरे मानेगी ना, हमारे पोपट भाई इतने फेमस जो है, टू टाइम्स गोल्डन क्रो अवार्ड विनर है। इसीलिए तुम्हारे पीछे लगा हूं सुबह से। थैंक यू थैंक यू। और हाँ, बासुंदी भाभी को मेरी ओर से थैंक यू कहना मत भूलिएगा। हाँ कह दूंगा कह दूंगा। चलिए अभी मिल लेते लड़के वालों से। अरे बैठो पोपटलाल। इतना उत्साहित नहीं होना चाहिए शादी के लिए। मिलने मिलाने से पहले लड़की वालों को तुम्हारी जन्म कुंडली चाहिए है? अरे है, बिल्कुल है। देखो पोपटलाल, मैं एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूँ, मधुबाला के पिता कुंडली पर बहुत विश्वास करते हैं। मैं भी। मधुबाला ने तुम्हें पसंद कर लिया, तुमने मधुबाला को पसंद कर लिया, वहां तक बात सीमित नहीं होगी। सॉरी टू से पोपटलाल, अगर तुम दोनों की कुंडलियां नहीं मिली तो ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। नहीं नहीं पांडे जी, मेरा दिल कहता है कि हमारी कुंडलियां जरूर मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? जैसे पानी में दूध मिल जाता है ना, बिल्कुल वैसे मिल जाएगी। कुंडलियां पानी में दूध की तरह मिलती हैं या पानी में तेल की तरह, ये तो उनका पंडित ही बता पाएगा। ला कुंडली लाओ अपनी। मैं अभी लेकर आता हूँ। अभी आया। मेरा दिल कहता है कि इस बार पोपट भाऊजी की शादी हो ही जाएगी। हाँ बस, हाँ हाँ बस कुंडली मिल जाए। ये लीजिए पांडे जी। मेरे सारे ग्रह इसी में है, राहु जी, केतु जी, मंगल जी, सब अपनी अपनी जगह एकदम बिल्कुल सही है। चलिए ना अभी पंडित जी के पास जाकर कुंडलियां मिलवा लेते हैं। अरे शांति रखो, मैं ही जाकर पंडित जी से इंक्वायरी कर लूंगा और तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। कब इन्फॉर्म करेंगे? एक दो घंटे के बाद। एक या दो? अरे भाई, कुंडली मिलाते ही मैं दो घंटे में तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। और अगर कुंडली नहीं मिली तो? तो सिंपल, मेरा फोन नहीं आएगा और तुम्हारी कुंडली तुम्हें लौटा दूंगा। नहीं नहीं, फोन आएगा, कुंडली मिलेगी मिलेगी, पक्का मिलेगी, और आपका फोन भी आएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट ना, चलो चलते हैं। ओके। हमारे खानदान का रिवाज है, जब तक कन्या का विवाह ना हो जाए सामने वाला लड़का उसकी तस्वीर नहीं रख सकता। कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा, आप रखिए आप रखिए। कुंडली मिलते हैं फोन कीजिएगा। जरूर 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 जरूर। चलो आओ, कम ऑन पांडे, लेट्स गो। थैंक यू पांडे जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। चाचा जी, पोपटलाल, अभिनंदन भाई, अभिनंदन बात। इसे कहते खोदा पहाड़ और निकला पोपट। पोपटलाल की शादी। अरे ये खुशखबरी मैं पुरुष मंडली को दे देता हूँ। वीडियो कॉल।
क्या हुआ आत्मारम? सबको फोन क्यों किया? पोपटलाल के बारे में कुछ पता चला क्या? हाँ, प्रेजेंटिंग पत्रकार पोपटलाल। उत्तरी, अरे पोपटलाल ये क्या, तुम घर पे ही हो? हाँ, और सिर्फ मैं ही नहीं, बाकी सब भी है। एक मिनट। पापू जी, पाई लागो। तुसी सारे एक साथ? वो क्या बात क्या है? सबसे पहले तो ये बताओ कि चालू पांडे जी पोपटलाल को ढूंढ क्यों रहे थे? और पोपटलाल तुम सुबह से थे कहाँ? अरे चुप हो जाओ सब लोग, तुम लोग ही बोलते रहोगे तो बिल्ली मास्टर जवाब कैसे देगा? बिल्ली मास्टर बोल। हाँ, थैंक यू थैंक यू। क्या हुआ पांडे जी, उनके पर्सनल काम के लिए पोपटलाल को ढूंढ रहे थे और पोपटलाल उसके ऑफिशियल काम के लिए बाहर घूम रहा था। एग्जैक्टली क्या चलो, तो अभी इंतजार है पोपटलाल और मधुबाला की कुंडली मिलने का। क्या बात है। बस दो घंटे में पांडे जी वापस फोन करने वाले हैं। बोलो, बात शादी की थी और हम क्या क्या सोच रहे थे? और कुंडली तो 100% मिलनी ही मिलनी है। ओ यारो, वो कुंडली तो मिलनी है। हाँ, मुझे भी लगता है मिल ही जाएगी। ओए पप्पू, ओ एडवांस विच शादी मुबारक हो मेरे दूल्हे राजा। ए पोपटलाल, एडवांस में कांग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशन पोपटलाल। हाँ भाई, दिल से मुबारक हो पोपटलाल, मुबारक हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू दोस्तों। चलो शाम को मिलते हैं। सत श्री अकाल। ओके चल पोपट बेटा, अभी हम सब लोग चलते हैं। और पोपटलाल भाई, जैसे आपको फोन आ जाए ना, आप हमें बता दीजिएगा। पक्का पक्का। चलो शादी के लड्डू बनाना शुरू कर दो। हे भगवान, ऐसा चक्कर चलाना कि मेरी और मधुबाला की कुंडली मिल जाए। थैंक यू। कमल भाभी, आर यू ओके? ये आपका पांचवा पानी का ग्लास है। एंग्जाइटी। पोपटलाल भाई और नूतन की कुंडली मिलेगी कि नहीं? मधुबाला, हाँ, 2 घंटे हो गए, अभी तक फोन नहीं आया पांडे जी का। नहीं उठाया। आपने पांडे जी को फोन किया? नहीं नहीं, रोशन भाभी को। अच्छा, मैंने ही कहा था फोन करने। हम लोग यहाँ पोपटलाल भाई के टेंशन में बैठे हैं और रोशन भाभी पता नहीं किस काम में बिजी हो गई बिचारी। वाया छौ। हाय हाय। रोशन भाभी, कहाँ चली गई थी आप? मिठाई लेने गई थी। क्यों, आपको पता चल गया पोपट भाई मधुबाला की कुंडली मिल गई? नहीं। तो फिर आप मिठाई क्यों लेकर आई? क्योंकि अगर कुंडली मिल गई तो पोपट भाई ने मोनोटो मिट्टू करूं पर से के नहीं। हाँ ये बात तो है। हाँ ये अच्छा किया आपने। और अगर नहीं मिली तो? इनके लिए और एक ग्लास पानी लाइए। फिर तो पोपट भाई बहुत दुखी हो जाएंगे। हाँ डोंट वरी, मैंने मोबाइल में एक मोटिवेशनल स्पीच डाउनलोड कर लिया है। मायूसी की राह में हिम्मत के हिचकोले। तो सुनाई ना इन्हें? हाँ। नहीं नहीं, पोपट भाई के लिए डाउनलोड किया है। अच्छा। वाह अंजलि भाभी, सो मस्त टाइटल छे। अगर जरूरत पड़ी तो पोपट भाई को सुना देंगे। हाँ। नहीं नहीं, उसकी जरूरत ही ना पड़े। देवा, पोपट भाऊ जी की कुंडली मिल जाए प्लीज। प्लीज। पोपट भाई भी अभी यही टेंशन में होंगे कि उनकी कुंडली मिलेगी या नहीं। 2 घंटे होने को आए, कब आएगा पांडे जी का फोन? नेटवर्क भी फुल है, ये फोन क्यों नहीं आ रहा? हाँ पोपटलाल, अरे हाँ आप दोनों। अरे वो क्या हुआ? दो 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 दो। हाथी भाई आप सांस लीजिए, मैं बोल रहा हूँ ना। अरे क्या हुआ, 2 घंटे होने को है, तुम्हारा कोई फोन ही नहीं आया, तो सोचा हम ही जाके पूछ लेते कि पांडे जी का फोन आया कि नहीं। अगर नहीं आया ना, मैं भी तब से यही सोच रहा हूँ कि पांडे जी का फोन क्यों नहीं आया। आया फोन? हेलो
पोपटलाल जी, मैं खुशबू बात कर रही हूँ। हाँ बोलिए खुशबू जी। मैं जनराशि कोऑपरेटिव बैंक से बात कर रही हूँ। आप पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल हो, तो आपको कोई लोन की रिक्वायरमेंट है? ये मेरी कोई लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब रखिए फोन। टेली मार्केटिंग वाले भी ना कभी भी फोन करते। अरे वो तो उनका काम ही है पोपटलाल, वो तो करेंगे ही ना। तुम्हारे पास पांडे जी का फोन नंबर स्टोर नहीं है? स्टोर्ड है। हाँ तो उन्हीं का फोन उठाओ ना, अननोन नंबर मत उठाओ। नहीं वो क्या है कि अगर पांडे जी के पंडित जी ने या मेरे होने वाले ससुर ने डायरेक्टली मुझे फोन किया तो उनका नंबर थोड़ी मेरे पास स्टोर्ड है। इसीलिए किसी अननोन नंबर से भी अगर फोन आता है तो मुझे उठाना पड़ेगा। सही बात है। आ गया। हेलो। हेलो सर, मैं मनीष बोल रहा हूँ। बोले बोले मनीष जी। सर मैंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के रिगार्डिंग कॉल किया। अरे मुझे अभी कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना है, शादी में इन्वेस्ट करना है। अरे सर शादी होना या नहीं होना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना हमारे हाथ में। एक बहुत बढ़िया स्कीम आई है। अरे मैंने बोला ना मुझे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अरे सर एक बार देख तो लीजिए, बहुत बढ़िया स्कीम है। और सर लोकेशन तो और भी बढ़िया, और प्राइजेस तो सर आप बिलीव नहीं करोगे। आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएगी। पर फिर भी आपको पसंद ना आए तो इन्वेस्टमेंट मत करना। मैं कौन सा जबरदस्ती कर रहा हूँ? अरे अभी आप जो कर रहे हैं ना इसे जबरदस्ती कहते हैं। रखो फोन। ओके सर। जिसका फोन आना चाहिए वो आ नहीं रहा और टेली मार्केटिंग वाले फोन कर करके परेशान कर रहे हैं। सही बात है। पोपटलाल भी भगवान से प्रार्थना करो कि कुंडली के बारे में जल्दी फोन आ जाए। अरे हाँ ये अच्छा आइडिया, मंदिर में जाके भगवान से प्रार्थना कर लेता हूँ। चलो चलो चलो। एक काम कीजिए, आप दोनों जाकर आइए, मैं यहीं बैठा हूँ। हाथी भाई आप अकेले यहाँ पे बैठ के क्या करेंगे, अभी चलिए। मैंने बोला आप अकेले। हाँ हाँ समझ गया, चलो चल, मैं जरा छाता ले लेता हूँ। ले ले। चलो ले लिया छाता, इधर ही तो था। चलो चलो आइए आइए आइए। चलो हाथी भाई क्या ढूंढ रहे हो? बैठने की जगह। आपको बैठना क्यों है हाथी भाई? बैठ के भजन करना है। भोजन? भोजन नहीं हो भजन। थैंक यू भगवान रिश्ता भिजवाने के लिए, अब आगे भी आप सब देख लेना, मतलब आप पर पूरा भरोसा है, पर फिर भी देख लेना। अगर मेरी और मधुबाला जी की कुंडली मिल गई और हमारी शादी हो गई तो आपको 1 किलो शुद्ध देसी घी के लड्डू चढ़ाऊंगा। पोपटलाल 1 किलो लड्डू से क्या होगा? अरे हाँ बराबर है। भगवान 1 किलो रहने देते हैं, पूरे 11 किलो शुद्ध देसी घी के लड्डू चढ़ाऊंगा। पोपटलाल ये जगत के नाथ है, सिर्फ 11 किलो। नहीं नहीं भगवान 11 किलो भी कैंसल, पूरे 101 किलो, 101 किलो फाइनल, 101 किलो शुद्ध देसी घी के लड्डू चढ़ाऊंगा। ये क्या हो रहा है? अरे मैं बोला भाई, तुम क्या कर रहे हो भाई? तुम भगवान के साथ डील कर रहे हो? 1 किलो, 11 किलो, 101 किलो, अरे सब कुछ उन्होंने तो दिया है, तुम उनको देने की बात कर रहे हो? सच्चे मन से प्रार्थना करो तो कुंडलियां भी मिल जाएगी और शादी भी हो जाएगी शायद। शायद मतलब भगवान की इच्छा होगी तो। भगवान आशीर्वाद दीजिए। भिड़े हाथी भाई ये देखो फूल गिरा। हाँ तो ठीक है वापस चढ़ा दो। अरे क्या चढ़ा दो, ये गिरा नहीं है, चढ़ाया हुआ फूल प्रसाद के रूप में मुझे मिला है। ये भगवान का संकेत है कि कुंडलियां भी मिल जाएगी और शादी भी हो जाएगी। थैंक यू भगवान, थैंक यू। आशीर्वाद दीजिए। सॉरी सॉरी
प्रसाद के लिए थैंक यू। अरे ऐसा नहीं होता है पोपटलाल, पता है मेरा एक स्टूडेंट था विकास नाम का, वो भी एक दिन ऐसे ही एग्जाम के पहले मंदिर गया था प्रार्थना करने के लिए कि भगवान मुझे पास कर देना, और उस वक्त भी फूल गिरा था, लेकिन वो पास नहीं हुआ, फेल हुआ। विकास वही ना जो हमारी बाजू वाली सोसाइटी में रहता है, एक नंबर का आवारा है, यहाँ वहाँ घूमता रहता है, फिर कहाँ से पास होगा, फेल ही होगा ना। पोपटलाल ऐसे फूल गिरने से कोई भी प्रकार का तर्क मत लगाओ, ऐसे छोटी छोटी बातों में वहम मत पालो, भगवान पे भरोसा रखो। हे भगवान, अब सब आपके हाथ में है, आपको जो सही लगे वो कीजिएगा। ओके मतलब अभी ये करेक्ट बोला तुमने। चल अब भगवान के आशीर्वाद ले लिए हैं तो चाचा जी के आशीर्वाद भी ले लेते हैं। वापस सीढ़ी? अरे ऐसे मामलों में बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। हाँ वैसे भी अपने पास बहुत टाइम है। मतलब पांडे जी का फोन आने में अभी टाइम है ना, तो अपने पास है, ऐसा बोला मैंने। चाचा जी आशीर्वाद दीजिए। अरे वाह कुंडलियां मिल गई, क्या कुंडलियां मिल गई, कब कब? अरे नहीं नहीं अभी नहीं मिली है। अरे चाचा जी खाली पूछ रहे थे। अच्छा अच्छा, अरे तो फिर किस बात पे इतना खुश हो के मेरा आशीर्वाद लेना है? आशीर्वाद लेने तो इसलिए आया हूँ ताकि कुंडलियां मिल जाए। पांडे जी का फोन नहीं आया अभी तक? अरे नहीं ना, इसी बात की चिंता हो रही है कि कुंडली मिलेगी कि नहीं। अरे सिर्फ तुम्हें क्या पोपटलाल, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को चिंता हो रही है कि कुंडली मिलेगी कि नहीं। चाचा जी आशीर्वाद दीजिए कि जल्द से जल्द कुंडलियां मिल जाए। अरे हाँ। ओ देखो चाचा जी का पैर छूते ही घंटी बज गई, मतलब फोन आ गया। लगता है फोन पांडे जी का ही है। पोपटलाल फोन स्पीकर पे रखना। हेलो, क्या मेरी बात पोपटलाल जी से हो रही है? जी जी मैं पोपटलाल ही बोल रहा हूँ। मैं अरुण बोल रहा हूँ, कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा हो अरुण जी, कहिए। सर मैं गो अराउंड टूर्स एंड ट्रेवल्स से बोल रहा हूँ। सर हमारी कंपनी आप जैसे कुछ खास और लकी कस्टमर्स के लिए 50% डिस्काउंट पर हनीमून पैकेज ऑफर कर रही है। अरे भाई पहले घर तो बसने दो, बाद में बेचना अपना हनीमून पैकेज। मैं कुछ समझा नहीं सर। अरे मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। वैसे ये 50% वाला ऑफर कब तक है? सिर्फ 2 दिन। लेकिन सर मैं क्या बोलता हूँ, अभी ना आप ये डिस्काउंट पैकेज खरीद के रख लो, फिर बाद में कभी भी शादी करके हनीमून पे चले जाना। और अगर शादी नहीं हुई तो? अरे भीड़ क्या मुझे, सॉरी 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 सॉरी। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी सर, ये ऑफर दोबारा कभी नहीं मिलेगा, मेरी मानिए तो पैकेज ले लीजिए। अरे अभी नहीं चाहिए भाई। सर तो फिर कभी चाहिए, मैं कब फोन करूँ आपको? कभी नहीं, अगर मुझे चाहिए होगा ना तो मैं सामने से फोन करूंगा आपको। अभी रखो फोन, पीछे पड़ जाओ। पोपटलाल शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाओ, 3 घंटे से ये सोच सोच कर परेशान हो गया हो कि कुंडली मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अगर अभी कुंडली नहीं मिली ना तो मैं ये समझूंगा कि मेरी कुंडली में ही दोष है और मैं कभी शादी नहीं करूंगा और हमेशा हमेशा के लिए गोकुलधाम सोसाइटी छोड़कर चला जाऊंगा। अरे बाप रे, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि पोपटलाल ने ठान लिया है कि अगर इस बार उसकी और मधुबाला की कुंडली नहीं मिली तो शादी का ख्याल वो अपने मन से निकाल देगा और हमेशा हमेशा के लिए गोकुलधाम सोसाइटी भी छोड़ देगा। दोस्तों मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। कुछ परिवार होते हैं ऐसे जो मानते हैं कि अगर लड़का लड़की की कुंडली नहीं मिली तो वो शादी नहीं करवाते, और लालू चंद के परिवार का भी मानना है कि अगर उनकी लड़की की कुंडली पोपटलाल से मिलेगी तो ही वो शादी करवाएंगे। आप सब भगवान से मिलकर प्रार्थना कीजिए कि कुंडली के इस खेल में पोपटलाल और मधुबाला के ग्रहों की जीत हो, क्योंकि अगर कुंडली नहीं मिली तो पोपटलाल के साथ साथ हमारा भी उसकी शादी देखने का सपना अधूरा रह जाएगा। दोस्तों मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, कुंडली के इस खेल में पोपटलाल की हार होगी या जीत ये तो समय ही बताएगा, लेकिन तब तक के लिए देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.